भाइयों और बहनों, आज बात कर रहे हैं 14 मार्च रविवार, मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए पीएम मोदी पहुंचे भाजपा मुख्यालय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोबारा चुनाव प्रचार प्रसार में उतरेंगी। 15 मार्च से ममता अपनी चुनावी रैली करेंगी। इधर बांग्ला में भाजपा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए चुनाव समिति की बैठक जारी है। यह बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है। इसमें अमित शाह, जितेंद्र सिंह, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष समेत कई नेता शामिल हुए हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल होने के लिए पार्टी के दफ्तर पहुंच गए हैं और मोदी सरकार को घेरने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत नंदीग्राम को और कोलकाता में रैली करने जा रहे हैं। फंस गए हुड्डा, महिलाओं से खिंचवाया था ट्रैक्टर। महिला आयोग ने पूर्व सीएम को भेजा नोटिस, पूछा क्यों न कार्रवाई की जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रदर्शन करना हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारी पड़ने लगा है। इस मामले में राज्य महिला आयोग ने हुड्डा को नोटिस भेजा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल ने नोटिस भेजकर हुड्डा से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में लिखा है कि इस मामले में क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाने का हुड्डा का वीडियो वायरल हो गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद हुड्डा को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा था कि अगर कोई महिला अपनी आजीविका के लिए कठिन परिश्रम करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई पुरुष राजनेता ट्रैक्टर पर बैठा है और उस महिला से उसे खींच रही है तो इससे महिला और ट्रैक्टर पर बैठे व्यक्ति की मर्यादा गिरती है। हुड्डा को इस बारे में सोचना चाहिए था। NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि अगर महिला को ये लगता है कि उसे जबरदस्ती ये काम करवाया गया है तो वो हमारे पास आ सकती है, लेकिन अगर वह अपनी इच्छा से भी ये कर रही थी तो भी ट्रैक्टर पर बैठे व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करेंगे, अगर शिकायत नहीं भी आती है तो भी ये निंदनीय है। महिला दिवस के मौके पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ट्रैक्टर पर बैठाकर महिला विधायकों द्वारा रस्ते से खींचने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा में भावुक हो गए थे। रूंधे गले और आंसू पोंछते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि महिला दिवस पर महिला विधायकों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार हुआ। इस दृश्य ने इतना दर्द हुआ कि वह सारी रात सो नहीं पाए। और इसी के साथ बात करते हैं रन बरसाने वाले रोहित बाहर, लेकिन फ्लॉप विराट आजमा रहे किस्मत। जाने कैसा है दोनों का मौजूदा फॉर्म। भारतीय टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज और T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक 4 शतक लगाने वाले रोहित शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही T20 मुकाबले में मौका नहीं दिया गया। ताबड़तोड़ बल्लेबाज के लिए मशहूर और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें आखिरी वक्त में प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। पीएम मोदी पर एक और फिल्म, अयोध्या में होगी शूटिंग, कैप्टन राजमाथुर निभाएंगे प्रधानमंत्री का किरदार। अयोध्या में फिल्म रामलीला का सफल आयोजित करने वाली टीम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर इंडिया इन माई वेंस नाम से फिल्म शूट करेंगी। इसकी जानकारी अयोध्या में फिल्म कलाकारों की रामलीला के आयोजित सुभाष मलिक बॉबी ने दी है। उन्होंने बताया कि वे इसे खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में 27 साल से जुड़ी बॉबी ने पहले भी कई फिल्मों का निर्माण किया है। उन्होंने बताया कि मोदी पर बनने वाली फिल्म में कहानी 2014 से शुरू होगी। इसका 29 मार्च को शुभ मुहूर्त तय किया गया है। इस फिल्म में मोदी की भूमिका कैप्टन राजमाथुर निभा रहे हैं। अन्य भूमिकाओं में सुरेंद्र पाल, रजा मुराद, बिंदु द्वारा सिंह, शहबाज खान व असरानी के साथ कई बड़े स्टार दिखेंगे। इस फिल्म की शूटिंग भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में की जाएगी। यूपी, हरियाणा व पंजाब में भी इसकी शूटिंग होगी। उन्होंने बताया कि यह फिल्म 6 महीने में सिनेमाघरों में नजर आएंगी। बता दें कि इसके पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म बन चुकी है जिसमें अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। इसी के साथ बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पत्रकारों को बंधक बनाकर पीटने का आरोप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ मुरादाबाद के पाकबड़ा थाने में केस दर्ज किया गया है। केस में 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं को भी आरोपी बनाया गया है। उधर सपा के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव की तहरीर पर 2 पत्रकारों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। मजूला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार निवासी एवं IPPA इंडियन प्रेस अलाइवनेस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पराशर की तहरीर पर केस दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप लगाया कि पाकबड़ा के रिजेंसी होटल में 11 मार्च की शाम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ पत्रकारों ने व्यक्तिगत सवाल पूछ लिए, जिससे गुस्सा अखिलेश यादव ने अपनी सुरक्षा गार्ड और सपा कार्यकर्ताओं से
पत्रकारों को बंधक बना लिया और उनकी पिटाई करवाई थी, जिसमें कई पत्रकारों को गंभीर चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है। उधर सपा के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव की तहरीर पर मीडिया कर्मी फरीश शमी और उवेद और हरमान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि खुद को पत्रकार बताने वाले दो व्यक्तियों ने पूर्व मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। अब उन्हें सुरक्षा गार्डों ने रोका तो उनके साथ मारापीटी की गई। इसके बाद फरीद खुद जमीन पर गिर गए और बेहोश होने का नाटक करने लगे। पुलिस अध्यक्ष नगर अमित आनंद ने बताया कि दोनों ओर से केस दर्ज किया गया है, पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। होटल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी कब्जे में ले ली गई है। इसी के साथ बात करते हैं नॉनवेज पिज्जा भेजा। गाजियाबाद की महिला ने अमेरिका कंपनी पर ठोका दावा, मांगा 1 करोड़ रुपए हर्जाना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक महिला को एक अमेरिकन पिज्जा कंपनी से वेज पिज्जा की बजाय नॉनवेज पिज्जा भेज दिया। इससे भड़की पीड़िता ने अमेरिका कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फॉर्म में 1 करोड़ रुपए हर्जाना मांगते हुए दावा ठोका। गाजियाबाद की दीपाली त्यागी ने 21 मार्च 2019 को अपने घर पर एक अमेरिकन पिज्जा रेस्टोरेंट से शाकाहारी पिज्जा मंगवाया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें मांसाहारी पिज्जा भेज दिया था। दीपाली ने इसे लेकर उपभोक्ता फॉर्म में केस दायर किया था। उनका कहना है कि वह पारिवारिक व धार्मिक मान्यताओं, अपनी पसंद व अपने अनंतकरण से विशुद्ध शाकाहारी हैं। इसी के साथ बात करते हैं उड़ीसा। भारी हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित। ओडिशा विधानसभा में शनिवार को खूब हंगामा हुआ, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष एसएन पात्रो ने सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित की। विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल के विधायक तथा मंत्री विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए। कांग्रेस तथा भाजपा के विधायकों ने सरकार से मीडिया सिद्धांत तत्काल उठवाने की मांग की। वहीं बीजेपी के सरकारों ने भाजपा के एक सदस्य से 1 दिन पहले सदन के आत्महत्या की कोशिश करने के लिए माफी मांगने को कहा। विधानसभा में सुबह 10:30 बजे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य अपने सचेतक तारा प्रसाद भाईनीपति के अगुवाई में आसन के लिए समीप पहुंच गए और यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग करने लगे कि किसानों को सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का खामियाजा नहीं उठाना पड़े। भाजपा के सदस्यों ने भी इस पर कांग्रेस का साथ दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अध्यक्ष के आसन के बेहद करीब जाने की कोशिश की, लेकिन मार्शलों ने उन्हें रोक दिया। इस बीच सत्तारूढ़ दल के सदस्य, जिनमें मंत्री और सरकार की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक शामिल थे, अपने स्थानों से ही देवगढ़ से भाजपा विधायक सुभाष पाणिग्रही से माफी की मांग कर रहे थे। हंगामे के बीच वे भी अपनी मांग पर जोर देते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए। बीजेपी के विधायकों ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही तब तक नहीं चलने देंगे जब तक पाणिग्रही शुक्रवार को सदन में सैनिटाइजर पीने की कोशिश करने के लिए माफी नहीं मांग लेते। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। इसके बाद कार्यवाही शुरू होने पर फिर से हंगामा होने पर अध्यक्ष ने बैठक 4:00 बजे तक स्थगित कर दी। इसी के साथ बात करते हैं किसान आंदोलन। ब्रिटेन के मंत्री ने कहा, किसान का मुद्दा पूरी तरह से भारत का मामला। ब्रिटेन के मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने अपनी नई दिल्ली यात्रा से पहले शुक्रवार को कहा कि भारत ने एक लोकतंत्र के रूप में विरोध प्रदर्शन के अधिकारी की गारंटी दी है और कृषि सुधारों को लेकर किसान का विरोध प्रदर्शन का एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी तरह से भारत सरकार का मामला है। गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत में इस मुद्दे पर ब्रिटेन की संसदीय समिति के एक कक्ष में एक चर्चा आयोजित की गई थी, जिससे भारत की अन्य लोकतांत्रिक देश की राजनीति में पूर्ण हस्तक्षेप बताकर निंदा की थी। यहां तक कि उस बैठक को लेकर मुलाकात करने के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ब्रिटेन आयुक्त एलेक्स एलिस को बुलाया था। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय FCDO में भारत मामलों के राज्य मंत्री लॉर्ड अहमद सोमवार को अपनी 5वीं दिवसीय भारत यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा से पहले यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि यह एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण बैठक है। यह पहली बार है जब वे विरोध के मुद्दे पर औपचारिक रूप से बैठक कर रहे थे और इस पर चर्चा की। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। हमने ये बात भी दोहराई कि बहस की संसदीय प्राणी और हमारे संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति ऐसी हो कि सरकार की स्थिति को भी स्पष्ट रूप से रखा जा सके। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन कई महीनों से हो रहे हैं और लोकतंत्र के रूप में भारत ने पूरी तरह विरोध के अधिकार की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन कई महीनों से हो रहे हैं और लोकतंत्र के रूप में भारत ने पूरी तरह से विरोध के अधिकार की गारंटी दी है और इसे सुरक्षित किया।